ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है। हम लोग अभी फर्स्ट कैंटो के सेकंड अध्याय में हैं। कल हमने प्रवेश कर लिया था दूसरे अध्याय में। पहला और दूसरा नंबर श्लोक हमने किया था। दूसरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब सूत गोस्वामी आंसर्स देना चालू कर रहे हैं। जो जो प्रश्न 6 प्रश्न पूछे गए थे पहले अध्याय में, उन 6 प्रश्नों के आधार में पूरी श्रीमद् भागवतम बोली गई है। उन 6 प्रश्नों का उत्तर देना भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी शुरुआत में हमको सिखा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का पठन कथन कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कि हम भागवतम को पढ़ने सुनने से पहले कैसी कैसे अपने मनोभाव को रखें, किस प्रकार अपने गुरुओं को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, ताकि हम इसमें सफल हो सके। ठीक है, तो पहले श्लोक में हमने पढ़ा, व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा श्री सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों के से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और जो है उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए? सूत गोस्वामी प्रसन्न हो गए, जिनका नाम उग्र श्रवा था, जो कि रोमहर्षण के पुत्र थे। रोमहर्षण के पुत्र थे इसलिए उनका नाम रोमहर्षणी भी है ना। और वो उग्र श्रवा थे, वो परीक्षित महाराज के साथ सबसे आगे बैठ के सुखदेव गोस्वामी के सामने पूरी की पूरी कथा सुन रहे थे। और 12वें स्कंद में आगे चल के बताएंगे भी, सुखदेव गोस्वामी उसी समय कहते हैं, जब परीक्षित महाराज कुछ वो बता रहे थे ना, श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सूत गोस्वामी आगे चल के इसका प्रचार करेगा, आगे चल के लोगों को इसका जो है पूरा डिटेल में और डिस्क्रिप्शन देगा, अच्छे से लोगों को समझाएगा। तो वो आएगा वर्णन 12वें कैंटो में। ठीक है, और दूसरे नंबर श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे सूत गोस्वामी सबसे पहले अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, है ना। तो कहते हैं, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सबके हृदय में प्रवेश करने में सामर्थ्य हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्रील व्यास देव ने उनके वियोग में के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र। उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों को प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो मैंने कल हमने चर्चा कर ली थी, इको साउंड जो आ रहा था, हे पुत्र, तो वापस भी वही सुनाई दे रहा था, हे पुत्र वृक्षों के द्वारा। तो वो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं जो वृक्षों के भी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, वृक्षों में वो लीन हो गए और वृक्षों ने उनके बिहाफ में हे पुत्र उनको जवाब दिया, जिसका मतलब ये था कि आप ये आसक्तियों को तोड़ दो, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कभी किसी जन्म में कोई पुत्र था, कभी किसी जन्म में कोई माता था पिता था, ये सब तो बदलता रहता है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी
कथा करते हैं और कथा के माध्यम से, कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, हृदय में वो भाव उत्पन्न कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो वैसे गुरुदेव को सूत गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं। तो हमको भी जब भी श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करें या पठन पाठन कीर्तन करें कथा करें, तो सबसे पहले हमको हमारे गुरुओं को प्रणाम करना है। और उसके बाद इसमें अभी और सिखाएंगे कि किस प्रकार गुरु को, भगवान को, व्यास देव को, सबको प्रणाम करके फिर हमको श्रीमद् भागवत की कथा कथा स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हम आज 3 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, साथ में दोहराएंगे, एक एक लाइन साथ में दोहराएंगे, फिर मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा, फिर आप उसी टोन में रिपीट करिएगा। ठीक है। यह स्व अनुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम। यस्वानुभावम ऐसा नहीं, देखो, यह स्व अनुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। अखिल श्रुति आध्यात्म दीपम अतिथि शीताम तमंधम। आध्यात्म दीपम अतिथि सताम समानम्। संसारीणाम करुणया पुराण गुह्यम्। संसारीणाम तम व्यास सूनम उपयामि गुरुम मुनीनाम। मुनीनाम मैं एक बार पूरा बोलने का प्रयास करता हूँ, तो उसी टोन में बोलने का प्रयास करेंगे, एक बार सुनेंगे पूरा अच्छे से। यह स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम्। आध्यात्म दीपम अतितीर्षिताम तमोऽन्धम्। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम्। तम व्यास सूनम उपयामि गुरुम मुनीना। तो इस प्रकार से एक एक लाइन बोलने की प्रयास करेंगे। यस्वानुभावम् अखिला श्रुतिश्रम् एकम् अध्यात्मदीपम् अदितिस्ताम् तमोऽन्धम्। संसारिणाम संसारिणां करुणायाः पुराणगुहां तं व्यासानु उपाधिं गुरुं मुनीनाम्। सबको बोलना है ना, एक एक लाइन बोलेंगे, फिर पीछे सारे लोग रिपीट करेंगे ना। बोलिए, कौन बोलेगा? और यह हरे कृष्ण यह स्वानुभावम् अखिल श्रुति सार एकम्। यह अनुभवम् अखिल श्रुति सारम् एकम्। अध्यात्मदीपम् तितितीर्षताम् तमो अन्धम्। अध्यात्मदीपम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम्। संसारिणां उपयामि गुरुं मुनीनाम्। उपयामि गुरुं मुनीनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू प्रभु जी? हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। यह स्वानुभावम् अखिलम् श्रुतिसारमेका। अध्यात्मदीपातिस्तीर्षताम् तमोद्धम्। अध्यात्मदीपातिस्तीर्षताम् तमोद्धम्।
संसारिणां करुणायाः पुराणगुहाम्। संसारिणां तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। अनुवाद। मैं समस्त मुनियों के गुरु श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से हमको ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार इन ग्रंथों का आदर करके हमको पठन पाठन करना चाहिए। पहले श्लोक में हमने देखा कि बड़े प्रसन्न हो गए सूत गोस्वामी कि मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं इन्होंने और इनको आत्मा को आनंद प्रदान करना है, ऐसा मुझे कुछ बताना है। फिर दूसरे में वो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं ताकि जिन्होंने उनको ये ज्ञान प्रदान किया, जिनके माध्यम से उन्होंने इसको ग्रहण किया, सबसे पहले तो उस गुरु को प्रणाम करना। अभी सेकंड थर्ड में भी उन्हीं गुरु की महिमा का वर्णन चल रहा है सुखदेव गोस्वामी का कि किस प्रकार पहले उन्होंने अनुभव किया फिर उसको दूसरों को समझाया ताकि लोगों का भी आत्म साक्षात्कार हो सके, लोगों का भी उद्धार हो सके, है ना। ऐसे होते गुरु, हम पढ़ते हैं सुबह सुबह गुरु का गुरु अष्टम करते ना, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ जो इस पूरे संसार में इंद्रिय तृप्ति की अग्नि जो लगी हुई है, जल रहे हैं सब लोग जंगल में आग की तरह, ऐसे लोगों को जलाने वाली इंद्रिय तृप्ति को घने बादलों की वर्षा से बुझाने वाले गुरु आपको प्रणाम है। सबसे पहले मॉर्निंग में गुरु को प्रणाम करते हैं हम लोग और करना भी चाहिए, यही हमारी वैदिक जो है संपदा है हमारे पास, इसको भूलना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार गुरुओं का आदर करें, किस प्रकार ग्रंथों का आदर करें, किस प्रकार भगवान कृष्ण के संदेश जो है श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम इसका आदर करें, इसका पठन पाठन करें, ना कि सिर्फ घर में साइड में रख के। मेरे घर में भी पहले रखी हुई थी, 5-10 साल तक रखी हुई थी और इत्तेफाक से मैंने ना भगवत गीता कोई खरीदी नहीं, एक मिली बहुत पहले सन 2000 के आसपास। मैं पढ़ता था, पता नहीं क्यों मेरा इंटरेस्ट था, पढ़ता था, समझ में तो कुछ नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता, रख दिया फिर साइड में, पढ़ी रही 2-5 साल। फिर दूसरी बार एक और जगह का पता नहीं कहाँ होटल वोटल गया, फ्री में मिल गई तो रख लिया। पहले तो ट्रेन में आना जाना होता था, ट्रेन में बहुत टाइम मिलता था तो पढ़ लेता था ट्रेन में, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। ऐसे मैंने 3-4 मेरे को भगवद गीता मेरे जीवन में आई
लेकिन मैंने कभी भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैंने कभी ऐसा बहुत ज्यादा उसमें पढ़ाई नहीं की, मैंने लाई रख दी घर में पड़ी हुई पड़ी हुई। मेरे को अब समझ में आ रहा है, संकेत तो पहले से भगवान दे रहे थे आ जा मेरी शरण में, आ जा मेरी शरण में, अब जा ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति है, ये जो मन है ना, ये संसार से हटता नहीं है, संसार के भोगों में इतना लगा हुआ है, इसने संसार को इतना अपना बना लिया है कि इससे दूर जाने की कोशिश ही नहीं करते हम। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें कह रहे हैं यह स्व अनुभावम, है ना, यह मीन्स जो, कौन, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो स्व अनुभावम, उन्होंने स्वयं इसको सेल्फ रियलाइज्ड है ये श्रीमद् भागवतम। अब उन्होंने क्या पिछले श्लोक में डिसीजन ले लिया कि मेरे को अब श्रीमद् भागवतम बोलना है, सुध गोस्वामी ने, हमने चर्चा करी थी, क्योंकि उनको आत्मा की अनुभूति, ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, हमने पढ़ा था, ऐसा ऐसे कुछ बताओ जिसमें हमारी आत्मा को आनंद प्रदान हो जाए, ये प्रश्न किया था इन्होंने, शौनक आदि ऋषियों ने। तो अब वो डिसीजन ले रहे थे कि इतने सारे ऋषि हैं, इनको मेरे को ऐसा कुछ बताना है जिनसे इनका उद्धार हो जाए, तो उन्होंने डिसीजन लिया अब मैं श्रीमद् भागवतम बताऊंगा। तो जब डिसीजन लिए श्रीमद् भागवतम, तो अब सबसे पहले बोलने से पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि हे गुरु मेरे हृदय में प्रवेश करो, जिस प्रकार आप सबके हृदय में कथा के माध्यम से प्रवेश करके सबका जीवन बदल देते हो, उसी प्रकार मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरे मुख से बुलवाओ और इन सबका जीवन का परिवर्तन कर दो। ठीक है, तो स्वयं अनुभावम, स्व अनुभावम मीन्स ऐसी जो श्रीमद् भागवतम है जो खुद सुखदेव गोस्वामी ने सेल्फ रियलाइज्ड की हुई है। सेल्फ रियलाइज्ड मतलब एक तो होता है कि मैं बता दूं आपको कि एक आइटम बनता है बकलावा, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत खाने में मजा आता है, मीठा है, थोड़ा सा घी का टेस्ट रहता है उसमें, और देसी आइटम लगता है, बाहर का है ये है, लेकिन जिसने खाया नहीं वो क्या समझ सकता है, ये बस जान सकता है हाँ अच्छा है, अच्छा होगा, प्रभु जी बोल रहे हैं तो ठीक है, कभी ऐसा मिलेगा तो खाना चाहिए, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक तो अनुभव नहीं कर पाएंगे ना। खाए बगैर कोई बता सकता है क्या कैसा है? नहीं बता सकता। सुना 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 है, ज्ञान है कि जो है ठीक है, लेकिन अनुभव नहीं किया उसका। अनुभव तब होगा जब उसको चखेंगे, जब हमारे अंदर जाएगा तब अनुभव होगा कि ये है क्या चीज। कोई बोलेगा अरे बेकार है, कोई बोलेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अरे नहीं, ये तो प्रभु जी तो कुछ नहीं बोले थे, ये तो जबरदस्त है। तो सबका अपना अपना सेल्फ रियलाइजेशन अलग अलग होता है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन तब होता है जब आप स्वयं उसको एक्सपीरियंस करते, जब आपके साथ वो होता है, घटना घटती है, तब हम उसका अनुभव कर सकते हैं। किसी की पीड़ा हो रही है, बोले स्लिप डिस्क में बड़ा दर्द होता है पीठ में, अब जिसको नहीं है उसको मालूम ही नहीं, अरे कैसा दर्द होता है पता नहीं, बोल रहे होता होगा भाई, हमको नहीं मालूम, पीछे नीचे होता है, ऊपर होता है, कहाँ होता है, झुकने में दर्द होता है, लेटने में दर्द होता है, सामान उठाने में दर्द होता है, क्या होता है क्या मालूम, लेकिन जिसको होगा वो बता सकता है कि ये क्या होता है। डिसग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु आए थे, उनको माइग्रेन का दर्द होता था, माइग्रेन का दर्द बहुत जबरदस्त होता है ऐसा हमने सुना है, वो बड़े परेशान है माइग्रेन से। तो ऐसी चर्चा चल रही थी तो बता रहे थे, बोले इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, 10 10 घंटे 8 8 घंटे अटैक आता है माइग्रेन का, बोले कमरा बंद करके एकदम अंधेरा करके रहना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत असहनीय होता है दर्द। तो जिसको होता है वही बता सकता है कैसा होता है, हमको तो होता नहीं, हमको नहीं मालूम क्या होता है। उसी प्रकार स्व अनुभावम मीन्स उन्होंने इसको श्रीमद् भागवतम को रियलाइज किया है कि इसको सुनने और बोलने से, हृदय में उतारने से स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है, ये चीज उन्होंने अनुभव किया है, वही बता रहे हैं यहाँ पे स्व अनुभावम, है ना। तो यहाँ पे सुखदेव जी का गुणगान चल रहा है और उनको प्रणाम चल रहा है इस श्लोक में। ठीक है, आगे कहते हैं अखिल श्रुति सारम एकम। अखिल मीन्स समस्त सुनने बोलने की चीजों में से एक, ये श्रीमद् भागवतम। श्रुति मीन्स वेदों में, समस्त जो वेद हैं, पूरा ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स हैं, उनका जो सार है, जितने भी तुम वेद निकाल लो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद और उपनिषद निकाल लो, वेदांत निकाल लो, सारी चीजों का जो सार है उनमें से एकम, एक ही है ये। तो लोग बोलेंगे अरे शिव पुराण भी तो है,
अरे स्कंद पुराण है, दुर्गा पुराण है, देवी पुराण है ना, ब्राह्मण पुराण है, क्या क्या पुराण है, इतने सारे पुराण है, तो वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? नहीं, वो नहीं है। एकम मीन्स यही, एक ही है और कोई नहीं है, जिसको सेल्फ रियलाइज किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और उन्होंने आत्म अनुभव करके, हम भी जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के बोलने के बाद परीक्षित महाराज 7 दिन में वैकुंठ चले गए थे। जब वैकुंठ जा रहे थे वो विमान में, तो ब्रह्मा जी भी देख के आश्चर्यचकित हो गए, अरे बाप रे, पृथ्वी से सीधा वैकुंठ, प्रणाम करते हैं। पर ब्रह्मा जी जो जाता है वहां से वैकुंठ जाता है, उसको प्रणाम करते। तो एकम, एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही है जिसको सुखदेव गोस्वामी ने सबसे ऊपर रखा है, और ये उनका स्वयं का अनुभव है एकमात्र। और कोई ग्रंथ नहीं है, और कोई पुराण नहीं है, और कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है, ये अपना उद्धार करने के लिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं, आध्यात्म दीपम अति तीर्षिताम तम अंध तम अंधम तमो अंधम। तो आध्यात्म दीपम मीन्स ये दिव्य ज्ञान है, आध्यात्म मीन्स ये जो ज्ञान है श्रीमद् भागवतम, ये दिव्य है, ये ऐसा ज्ञान है जिससे आत्मा और परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, जिससे अज्ञान से बाहर निकल के हम क्या है, हमारा परिस्थिति क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर की अनुभूतियों से परे हैं, आत्मा कृष्ण का अंश है, सेवक है, अनंत काल से है, ये सारा ज्ञान इधर से आता है ना। आज की डेट में तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि मैं हूं कौन, शरीर है, अरे मैं ये शरीर हूँ। शरीर से इतने आसक्त है लोग कि शरीर के ही सारा काम, शरीर के लिए ही सारा काम करें, तो शरीर से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो खत्म है कहानी, ये जन्म यूं निकल जाएगा, ऐसे चुटकियों चुटकियों में निकल जाएगा समय। 25-50 साल कोई मायने रखता है क्या? शुरू के 20 साल तो समझने समझने में निकल गए, है ना, बालस त्रावत कीड़ा सकता, क्रीड़ा खेलने खेलने में निकल गए, तरुणास्तावत तरुणी सकता, जब बड़े हुए जवान हुए तब जवानी वाले बड़े शौक थे, गाड़ी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, तो इस प्रकार वो समय निकल गया। जब 40-45 की, हमें अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो अभी जुड़ा हूँ 40 में, अभी 5 साल हो गए जुड़े जुड़े मेरे, तब जाके ये ज्ञान आया गुरु की कृपा से कि करना क्या है जीवन, और शेष बचा कितना जीवन है, 15-20 साल से ज्यादा थोड़ी बचा, 50-55-60 से ऊपर तो हम कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे, भगवान की दया से इतना जबरदस्त मिलावटी खाना खाते हैं, इतना मिक्सिंग वाला केमिकल खाते हैं, कोई चीज में शुद्धता है ही नहीं। ठीक है, कितना दिन चलेगी शरीर, तो जब तक शरीर शरीर क्षीण ना हो जाए उससे पहले पहले भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर लेना चाहिए, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह सु दुर्लभ मनुष्य जन्म तदि तदपि ध्रुवम अर्थ दम, सु दुर्लभ है। सावित्री माता जी कह रहे हैं मैं ही हूँ। ठीक है, सभी है माता जी, ऐसा कोई मैं स्पेशली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा, लेकिन सभी है, सभी का एक ही परिस्थिति है। तो ध्रुवम अति मतलब सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम, ध्रुवम है, कभी भी खत्म होने वाला है, लेकिन अर्थदम है, इससे हम बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट। जैसे घर में कोई भी सामान आता है, माता जी लोग जो किचन संभालती हैं, तो वो फटाफट सब चीजों को ना एनालाइज करती, कौन सी सब्जी खराब होने वाली उसको पहले बना लो, खराब हो जाएगी सड़ जाएगी इससे पहले बना के खा लो खत्म करो, तो सड़ जाए उससे पहले उसका उपयोग हो जाए, है कि नहीं। माता जी लोग जानती हैं, कुछ सब्जियां जो है हरी पत्ते वाली हरी सब्जियां वो ज्यादा दिन चलती नहीं है, लेकिन ये सब दाल चावल तो आप महीनों महीनों रख सकते हो, वो खराब नहीं होता, लेकिन जो खराब होने वाली चीजें उसको फटाफट यूज करके बना के खा लेते हैं, ताकि खराब होने से पहले यूज हो जाए। वैसे ही हमारा जीवन नष्ट होने से पहले इसका उपयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है तपोदिव्यम, तपो दिव्यम, तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करनी। तो यहाँ पे अध्यात्म ये ज्ञान हमको इधर से मिलता है, और दीपम ये ज्ञान का उजाला है,
जैसे अंधकार को निकालने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे अज्ञान को निकालने के लिए ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। तो ये अध्यात्म दीपम अति तीर्षिताम तमोवंध, अति तीर्षिताम मतलब जो अति तीर्षिताम, तर्षिताम, तर्षत इति ताम मतलब जो तैर के पार करने के इच्छुक हैं, तैर के पार करने के इच्छुक हो गए तीर्षितताम, है ना। और अति तीर्षिताम मतलब जिनके अंदर प्रबल इच्छा है कि मैं कैसे भी करके पार करके इसको खत्म करूं, निकल जाऊं यहां से, ऐसे व्यक्तियों की बात चल रही है जो इस संसार के भव सागर को पार करने के इच्छुक है। वो चाहते हैं मैं कैसे भी करके ये संसार का जो है मेरा एग्जिट हो जाऊं, फटाफट निकल जाऊं यहाँ से, है ना, जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर लूं, है ना, इस भव सागर को तैर के निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊं। अति तीर्षिताम, है ना, तमो अंध, इस गहन का गहने अंधकार भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति के जलन से जब सब लोग जहां पे जले जा रहे, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे, द्वेष कर रहे, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 प्रकार के अनर्थ हैं, इन 6ों में पूरा जीवन निकाल दे रहे। कभी ये मेरा प्रिय है, कभी वो मेरा प्रिय है, कभी इससे जलन हो रही है, कभी उससे जलन हो रही है, कभी इसने बोल दिया ऐसा, कभी उसने ऐसे बोल दिया, ये चले जा रहे, चले जा रहे। वही व्यक्ति पहले अच्छा था, वही व्यक्ति बाद में बुरा हो गया, वही व्यक्ति बाद में दुश्मन हो गया, फिर वही व्यक्ति बाद में दोस्त हो गया। ये तो क्या कार्टून है, ये तो है, हम देखते हैं, ये तो क्या कॉमेडी है, ऐसा होता है। वही व्यक्ति पहले अच्छा था, वही व्यक्ति दुश्मन बना, वही व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई, वही व्यक्ति के साथ फिर दोस्ती हो गई, फिर वो व्यक्ति प्रिय हो गया। अरे वही तो है सिमिलर। तो ये अंधकार है, ये हम जो है ना, तम अंधकार, तमोगुणी अंधकार है, तमोगुण में है हम सारे के सारे, और इस संसार में अंधकार में है हम, कि क्या करना है क्या नहीं करना यही नहीं मालूम। आगे कहते हैं, संसारिणाम करुणया आह पुराण गुह्यम, आपने इन सारे जो संसारी व्यक्ति है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए करुणया आपने अपनी कृपा से, अहेतु की कृपा से आह पुराण गुह्यम, इस गोपनीय एकदम कॉन्फिडेंशियली पुराण को कहा है सबके कल्याण के लिए। तो एक बात बताओ मेरे को, ऐसा क्यों बोल रहे सुखदेव गोस्वामी को कि उन्होंने कहा है, ये तो व्यासदेव ने कहा है। व्यासदेव ने कहा है, इसको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्रेडिट गोज टू हुम, किसको क्रेडिट जाता है श्रीमद् भागवतम का, क्या सुखदेव गोस्वामी को जाता है, क्या सूत गोस्वामी को जाता है, क्या श्रील व्यास देव को जाता है, किसको जाता है? तो देखिए, व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम लिख दिया तो पहले ही, लेकिन जो लिखा है उसको ऐसा लिखा है कि ये सूत गोस्वामी द्वारा बोला जा रहा है सबको, समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे कोई न्यूज़ छपती है तो बताया जाता है फलाना फलाना नेता आया, उसने अपने मंच पे ऐसा ऐसा बोला, तो वो प्रकाशित हो जाता है, भाई इस नेता ने ऐसा बोला। अब वो जो बोलने का श्रेय उस नेता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस नेता ने बोला ना, लेकिन पीठ पीछे ऑफिस में उसको जो चिट्ठी बना के दिया उसके सहयोगियों ने या उसके सीनियर ने, उसका नाम तो नहीं आएगा। जिसने बोला सबके सामने, जिसने प्रकाशित किया, उसका नाम हो गया। वैसे यहाँ पे सूत गोस्वामी ने सबके सामने प्रकाशित किया, और आज हमारे पास जो ज्ञान है ये उन्हीं के माध्यम से, इसलिए उनका नाम हो रहा है यहाँ पे। सूत गोस्वामी अपने गुरु को बता रहे हैं कि मैंने आपसे ये प्राप्त किया है। तो प्रकाशित होना बहुत जरूरी है, कहाँ से प्रकाशित हो रहा है वहां पे उनका जो है गुणगान होना चालू हो जाता है। तो कह रहे हैं, आपने करुणा से, आपने कृपा करके ये ज्ञान सबको, सांसारिक अंधकार में रह रहे व्यक्तियों को दिया है ये ज्ञान, और जो है गुह्यम, बहुत ज्यादा गुह्य ज्ञान है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, जिससे भगवान की शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त हो सकती है। आगे कह रहे हैं, तम व्यास सूनम उपयामी गुरुम मुनि नाम। तो मैं तम मीन्स उन व्यास सूनम, व्यास देव के पुत्र जो कि सुखदेव गोस्वामी हैं, उपयामी उनको नमस्कार करता हूँ, गुरुम जो कि मेरे गुरु हैं,
और मुनि नाम, ना कि सिर्फ मेरे गुरु हैं, सभी मुनियों के गुरु हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे वहां पे परीक्षित महाराज के सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे, उन सब में से सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन दिया गया और उनको बोला गया कि आप श्रीमद् भागवतम की कथा कहो। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था 7 दिन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कार्य क्या होता है उसको बताइए, तब बताया गया था कि श्रीमद् भागवतम सुनना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मृत्यु आने वाली हो, उन 7 दिनों में क्या कार्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? जिसका जीवन 7 दिन बचा हो, जिसके जीवन में 7 दिन नहीं बचे हो, ज्यादा दिन बचे हो, तो भी क्या करना श्रेष्ठ है? तो बताए श्रीमद् भागवतम। तो हमारे जीवन में भी 7 ही दिन रहते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये 7 ही दिन है हमारे जीवन में। और 7 दिन में क्या करने लायक सबसे श्रेष्ठ है? वो है श्रीमद् भागवत, है ना। तो क्या करना है वो सब आप सोच समझ सकते हैं। और एक चीज तो है कि ये तो श्योर है कि श्रीमद् भागवतम सुनने और समझने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, जिनके बड़े कृपा होना, जिनके ऊपर वैष्णवों की किसी ने आशीर्वाद दिया होगा ना, उसी के जीवन में श्रीमद् भागवतम प्रवेश करता है। और 7 दिन की कथा अटेंड की है, प्रभु जी कह रहे हैं, तो 7 दिन परीक्षित महाराज के जैसे बैठ के अटेंड नहीं करी होगी आपने। परीक्षित महाराज 7 दिन 24 घंटे बिना खाए बिना पिए अटेंड किए थे उनकी क्लास, तब जाके उनकी स्थिति हुई थी कि भगवत प्राप्ति हो सके। हम तो 7 दिन 1 घंटा दो घंटा पढ़ ले तो बड़ी बात है ना। तो वो भाव होना चाहिए। तो यहाँ पे व्यास सूनम उपयामी गुरु मुनि नाम, वो जो सबके गुरु हैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रीमद् भागवतम के पहले हम अपने गुरुओं को प्रणाम करें और जिनसे ये ज्ञान आया, व्यास देव और इनको उनको सबको प्रणाम करें। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अपने मनुष्य योनि की थोड़ी सी इसमें इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि हम हमारा जो जीवन है सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ऐसा ईंधन के समान, जैसे जल अग्नि है ना, जितना ईंधन डालोगे उसमें प्रज्वलित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसी इंद्रिय तृप्ति है, जितना उसको इंद्रिय तृप्ति मिलते जाएगी और ज्यादा उसका डिमांड बढ़ती चली जाती है मन की। तो हमको हमारे जीवन को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है, हमको हमारे जीवन को तपस्या करके भगवत प्राप्ति के लिए लगाना है। यही डिफरेंस है पशुओं में और हम में। आहार निद्रा भय मैथुनम चम एतद् भी पशु भी नराणाम धर्मान ही एको अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समाना। मतलब अगर व्यक्ति में धर्म है तब वो पशुओं से भिन्न है, अदरवाइज धर्म के बिना। तो ये 4 चीजें पशुओं में भी है, व्यक्ति में भी है, मनुष्य में भी है। तो मनुष्य क्या सिर्फ खाने के लिए, मजे करने के लिए, सोने के लिए और लड़ाई करने के लिए इसीलिए बना है क्या? नहीं, हमको उद्धार करना है अपना धर्म के माध्यम से। ठीक है, तो तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज हम इसमें जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हम चौथे नंबर श्लोक में प्रवेश करते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इवन हम जो है मंगलाचरण करते हैं तो इसी को पहले बोलते हैं, चौथे नंबर श्लोक को साथ में दोहराएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं ततो जयं मुदीरये। ततो नारायणं करेंगे नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती ततो जयं उदीरयेत् ततो जयं जयामुदीरयेत् नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। और कोई नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। अनुवाद। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने से पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया जा रहा है कि कैसे श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करना है, घुसना कैसे, गोते कैसे लगाना है। नदी में कूदते हैं ना, स्विमिंग पूल में, बच्चे को तो पहले बताया जाता है कि हे बच्चे, ऐसे डायरेक्ट कूदना नहीं है हमको, ऐसे ऐसे जो है डाइव करने से लिए, ऐसे पहले सर नीचे हाथ नीचे, ऐसे सीधा डाइव करना है, ऐसे करना है। तो पहले बताया जाता है कैसे प्रवेश करना है, तो हमको भी बताया जा रहा है कि कैसे प्रवेश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। नारायण मतलब सबसे पहले श्री भगवान को नमस्कार करना है ना, नारायण भगवान श्री कृष्ण को, नारायण उनको नमस्कार है। नरम चैव नरोत्तमम मीन्स जो नर नारायण के रूप में, पहले नर नारायण जो है एक्चुअल में देखिए, ये समझ लीजिए, श्रील व्यास देव जो थे वो बद्रिका आश्रम में रहते थे। बद्रिका आश्रम जो है ना बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ के पास है ना, वहीं पे है बद्रिका आश्रम, और वहां पे जो अधिष्ठाता देव स्थापित है वो है नर नारायण, है ना। नर जो है कहते हैं अर्जुन को, और नारायण जो है भगवान को, मतलब भगवान और उनके सेवक उनके भक्त के रूप में वहां पे हैं। और हम आगे चल के उनकी कथा पढ़ेंगे, नर नारायण की कथा आएगी आगे चल के। तो नर नारायण जो है बद्रिका आश्रम के अधिष्ठाता देवता है, तो सबसे पहले नर नारायण को उन्होंने प्रणाम किया। फिर नरोत्तम, नरों में सबसे उत्तम कौन है, जो पुरुषोत्तम है, कौन है, कृष्ण है। सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी कृष्ण है, सेकंड उनको प्रणाम करना है। फिर क्या कह रहे हैं, देवीम सरस्वतीम, तो उसके बाद थर्ड जो है देवी सरस्वती को, जो कि ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, उनको प्रणाम करना है, ताकि विद्या अज्ञान से दूर हो सके, ज्ञान में प्रवेश कर सके, ज्ञान का हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न हो सके, हम समझ सके भगवान और सुखदेव गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं, इसके माध्यम से हमारे अंदर सारा ज्ञान उत्पन्न हो। तो सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद व्यासम, देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत। फिर व्यास देव को चौथे नंबर में प्रणाम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ततो जयम उदीरयेत, मतलब तत्पश्चात विजय प्राप्त करने हेतु घोषित करें। मतलब क्या बोल रहे, ततो जयम उदीरयेत, ऐसे ग्रंथ को प्रणाम जो विजय दिलाने में जिसकी जो है ना माहिर है, जो सबको पराजय से दूर करके विजय की ओर ले जाए, ऐसे ग्रंथ है ना जयमुदीर। ये ग्रंथ जो संसार को पराजय कर सकता है और अपने आप में विजय दिला सकता है, ऐसे जो है ना ग्रंथ को प्रणाम, ऐसे ग्रंथ की जय है ना। विजय घोष बोलते हैं इसको, है ना। इसको पढ़ने से सुनने से निश्चित तौर पे कभी भी परास्त नहीं हो पाएंगे हम। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, किसी के भी सामने, किसी के भी पीछे, हम कभी भी पराजय नहीं होंगी, हमारे हमारा कभी भी पराजय नहीं होगा, हम हमेशा विजय ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को मालूम है इसमें ऐसी ज्ञान है, इसमें समर्पण है, जैसी भी परिस्थिति आएगी हम तो कृष्ण के भरोसे है ही हैं, कृष्ण जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, ये मालूम है। तो जैसी परिस्थिति आएगी आदमी यही सोचेगा मेरे प्रभु ने दिया ना मेरे को, उसको हंस हंस के स्वीकार करेगा, जो प्रभु की इच्छा है, इसमें भी मेरा भला है इसलिए प्रभु ने मेरे को ये प्रदान किया। तो ऐसे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय हो, ऐसी स्थिति की जय हो, जो सारे सारे जो है इन्होंने सबको देखो
पहले भगवान को नर नारायण को जहां से लिखा गया उनको प्रणाम किया गया, फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया, फिर सरस्वती माता को प्रणाम किया गया, फिर व्यासदेव को प्रणाम किया गया। तो नर नारायण भी समझ में आ गया, कृष्ण भी समझ में आ गया, सरस्वती माता लेकिन समझ में नहीं आई। क्यों? समझ में आ गया क्या सबको? सरस्वती को क्यों प्रणाम करें? सरस्वती को प्रणाम क्यों करें? सरस्वती तो देवी है, देवी देवताओं की तो उपासना मना है। देवी देवताओं को तो पूजा नहीं करना चाहिए हमारे को। हम तो सुने हैं कि सिर्फ कृष्ण को प्रणाम करना है, उन्हीं की आराधना करनी है। तो यहाँ पे जो ये सरस्वती है ना, एक्चुअल में ये अध्यात्म की सरस्वती है। ये जितने जो भी हम जानते हैं यहाँ पे रहते हैं इस भौतिक संसार में, वो पंच तत्व से बनते, चाहे देवी देवता हो चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये प्रकृति के पांच तत्व भ ग वान, भ से भूमि, ग से गगन, अ से आकाश, व से वायु और न से नीर, है ना? नहीं, भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु और न से नीर। ये पांच तत्व जो होते हैं ना, फाइव एलिमेंट्स, इससे सारे लोग बनते हैं, इवन देवी देवता भी इसी से बनते हैं। तो ये जो सरस्वती है ये इन पांच तत्वों से बनी नहीं है, ये अध्यात्म की सरस्वती है जो कि इस भौतिक संसार में नहीं रहती, वैकुंठ में रहती है, है ना? तो हम जानते हैं वैकुंठ में सबके स्वरूप वहां पे हैं जो है, और वहां से ये जो है हमको अध्यात्म में कृपा प्रदान करने वाली सरस्वती है, ठीक है? तो ये वो सरस्वती नहीं है जो हम समझते हैं, लेकिन सरस्वती का मूल स्वरूप है, ये तो उसकी छाया प्रति है, वो मूल स्वरूप है जो कि आध्यात्मिक जगत में रहती है, और वो भगवान के ज्ञान को प्रदान करती है हमारे को, है ना? तो ऐसी सरस्वती है। तो एक श्लोक आता है, एक्चुअल में हमको ये समझना चाहिए कि हम श्लोक समझिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, है ना? तो अनुवाद है, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है, यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है। क्या लकड़ी में अग्नि है कि नहीं है? लकड़ी में अग्नि रहती है कि नहीं रहती है? रहती है, बस उसको चिंगारी की जरूरत पड़ती है। जैसे ही चिंगारी मिलती है वो जबरदस्त प्रज्वलित हो जाती है। अगर लकड़ी में अग्नि रहती है लेकिन दिखती नहीं है, तो समय रहते जब कई बार देखते घर्षण होता है, लकड़ी एक दूसरे के साथ घर्षण होती है तो आग उत्पन्न हो जाती है। तो कहाँ से आई आग? किसी ने तो बाहर से ला के दी नहीं, उसी के अंदर थी और वहीं से उत्पन्न हो गई। वैसे ही बता रहे हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम हमेशा रहता है, लेकिन ये आच्छादित रहता है। जब ये ज्ञान आता है श्रीमद् भागवतम का श्रवण के माध्यम से, कहीं सही स्रोता के माध्यम से जब हम सुन पाते हैं, तब हमारे अंदर ये भक्ति ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। अब फिर से बोलता हूँ, अब समझिएगा अच्छे से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। मतलब श्रवण से, शुद्ध चित्त से कृष्ण प्रेम ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है हमारे हृदय में, उसको बाहर से किसी साधन से लाने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है। जैसे मोबाइल में फीचर आते हैं ना इनबिल्ट, है ना, वही फीचर है हमारे अंदर भी इनबिल्ट है कृष्ण प्रेम, लेकिन ये बाहर के संसार के कारण जो आच्छादित है हमारे काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर, ये सब वासनाएं जो है इनके कारण वो छुपा हुआ है, अंदर ढका हुआ है, है ना? तो ऐसे कृष्ण प्रेम है, और हमको गुरु परंपरा के माध्यम से ही ये ग्रंथ श्रवण के माध्यम से हम कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं। जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होगा। तो इसकी कुछ लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तात्पर्य की वो पढ़ लेता हूँ, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा। तात्पर्य में शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। तो हम नाम अपराध पढ़ते, 10 नाम अपराध याद है किसी को? चौथा नंबर क्या है याद है किसी को? अ
हरे कृष्ण प्रभु जी, वैदिक शास्त्र अर्थात प्रमाणों का खंडन करना। हरि बोल, बहुत सुंदर। तो नाम अपराध में आता है चौथा नंबर में, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना, ये अपराध है। तो वैदिक शास्त्र क्या कह रहे हैं हमारे को यहाँ पे, संपूर्ण वैदिक साहित्य, पहली पहली लाइन जो है, संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रंथ खराब है, कोई ग्रंथ अच्छा है, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी ग्रंथ पढ़ने के लिए हैं, लेकिन व्यक्ति अनुसार, विशेष अनुसार, उसके गुण और स्वभाव के आधार पर उसको पढ़ना चाहिए। जैसे तमोगुणी ग्रंथ है, कुछ पुराण है, तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथ पुराण तमोगुणी है, वो तमोगुणी व्यक्ति के लिए है और उनका उद्धार करने के लिए। सारे पुराण, सारे स्क्रिप्चर्स हमारे उद्धार के लिए ही हैं, हमको ये मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विजय प्राप्त करने हेतु, अपने उस गुण से निकल के अपनी प्रोग्रेस मिलेगी। जो तमोगुण में वो रजोगुण में जाएगा, जो रजोगुण में वो सतोगुण में आ जाएगा, और जो सतोगुणी है वो गुणों से बाहर हो जाएगा, निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से ग्रंथों का संरचना हुई है, क्योंकि अगर सीधा सीधा किसी तमोगुणी व्यक्ति को बोलेंगे ना श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ ले, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। तो उसको अभी पहले थोड़ा सा शुद्ध करेंगे, उसको रजोगुण में लाएंगे तमोगुणी व्यक्ति को, इसलिए तमोगुणी पुराण उसको पढ़ाएंगे, शिव पुराण पढ़ लो, अग्नि पुराण पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ताकि उसका थोड़ा सा ग्रोथ हो सके। और कह रहे हैं, जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त है, तो ये समझना चाहिए कि हम अनादि काल से खाली इंद्रिय तृप्ति कराया। तो ये कोई प्रश्न नहीं पूछना मेरे से कि प्रभु जी कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना, कभी तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? अरे भैया, ये प्रभुपाद लिख दिए यहाँ पे अनादि काल से, मतलब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। पीछे पीछे पीछे, उस जन्म के पीछे, उस जन्म के पीछे, उस जन्म, ऐसे अनेक जन्मों के पीछे जाएंगे तो भी हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, इसलिए हमको नेक्स्ट शरीर मिलता है। आज जो हम अपने मन में रखेंगे, जो वासनाएं रखेंगे, जो इच्छा रखेंगे, जो कर्म करेंगे, उसके आधार पर अगला शरीर मिलेगा। तो आज हमने पिछले जीवन में हमने जरूर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इच्छा करी होगी, जो हमको मनुष्य शरीर मिला, मटेरियल इच्छा करी इसलिए मटेरियल शरीर मिला, मटेरियल इच्छा फिर इस जीवन में भी करेंगे तो अगला शरीर भी मटेरियल मिलेगा, फिर मटेरियल इच्छा करेंगे तो उसके बाद वाला शरीर भी मटेरियल मिलेगा। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, भगवान की दिव्यता के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अगला शरीर भी हमको आध्यात्मिक मिलेगा, है ना। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो अपि माम, है ना। जो जिसकी पूजा करता है उसको प्राप्त करता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृ लोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूत लोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है भगवान कहते हैं वो मेरे लोक में आता है। तो ये डिसीजन हमारा है, चॉइस हमारी है कि हमारे को गाड़ी राइट मुड़नी है कि लेफ्ट मुड़नी है, कि यू टर्न लेनी है कि सीधा चलना, ये हमारे हाथ में, स्टेयरिंग हमारे हाथ में है। तो जिसकी पूजा करेंगे हम वहां चले जाएंगे, वो हमारा गंतव्य बन जाएगा, ठीक है। तो ये बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस सावित्री माता जी, पूछिए। अरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न नहीं है, मैंने अपना तजुर्बा लिखा जिंदगी का। ऐसे अरे लोग वाह, भेटे, ऐसे ऐसे लोग भेटे कि उनके वो अपने के सिवा किसी को जानते ही नहीं है, ना उम्र के लिहाज, ना कुछ, ना कुछ। यहाँ से मेरे सामने दो तीन जन थे, दो तीन जन को देखा प्रभु जी, इतने लार्सन ट्यूबरों में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा सम्मानित थे, ऐसे बर्बाद हुए ना। मतलब वो थूकते थे एक दूसरे को देख के, आदमियों पर थूकते थे, ऐसा इतना इतना अहम था। ऐसा हो गए कि खाने के वांदे हो गए, 52 इयर्स में तलाक हुआ। तो मैं तजुर्बा लिखा था प्रभु जी, मैं तो आपके शरण में आके क्या पहले से ही वो हो गई, भगवान की मार खा के, भगवान का मार खा के अरे पहले से ही वो हो गई प्रभु। मेरा तो मैं कब का खत्म हो गया था। और एक है अभी हमारे जज हैं जो मैडम, इतने पैसे हैं पर बच्चे को लेके परेशान है, हेल्थ को लेके परेशान है, खाने के वांदे रहते हैं, ड्यूटी से आती हैं तो मैड मिलती नहीं है, तो खाने के ऊपर प्रॉब्लम होते हैं।
फिर हमारी एक फ्रेंड है, हाई कोर्ट की एडवोकेट है, वो डिप्रेशन में चली गई। यहाँ की वो प्रभु जी मनी महेश 3 बार जाके आई है, और उसके पति दारू पीते थे, सबका पैसा उधारी चुकता किया, और उसके बाद में उसने पति के नाम से बनारस में आश्रम खुलवाया कि जो कोई जावे फ्री में रहे और दर्शन करे, फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। तो देखते हैं ना प्रभु जी, और दूर क्यों, मैं मेरे साथ ही देख रही हूँ ना, मेरे साथ। हम लोग गांव में इतना हमारे भाई के देवर के लड़के को किया, देवर को किया, देवर हमारा कुछ काम ही नहीं करता, कमा कमा। तो एक घर मांगा तो नहीं दिया बना बनाया, हम हर में हर चीज में सपोर्ट करते थे। अपना बना रहे तो बोलता है कि प्रूफ करो तुम अपने, मतलब मेरे मेरे ससुर जी का नाम लेके कि उनके बेटे हो। मैं मेरे पति को बोला आपको प्रूफ करने की क्या जरूरत है, उसको बोला अपने दादी के पास जावे पता करे। तो आजकल बच्चे से लेके लोगों में और कुछ आता ही नहीं है, मैं के सिवा कुछ आता ही नहीं है। वो अनुभव लिखा प्रभु जी मैंने अपना जिंदगी का, और सच रियल है। अनुभव हाँ, भेज है। ये सच है कि लोगों को ना पूरा जीवन लग जाता है सिर्फ ये समझने में कि जी पैसे में सुख है कि नहीं है, ये नहीं। जानने में लोगों को पूरा जीवन, कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है तो भी नहीं समझ पाते कि पैसे में सुख नहीं है, शांति नहीं है, पैसे में कोई भी संपन्नता नहीं है, प्रभु पैसे जी की। आता है और चला जाता है। हमारा तो सब सब कुछ आके फटाफट, गांव में भी घर बनाया हमने, बॉम्बे में भी बनाया, सब कुछ हो गया। तो हम तो मतलब समझ रहे हैं और देखा भी है ना, अपने आंखों से देखा है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये पैसा सब कुछ है, पैसा काम नहीं आता है। लेकिन नहीं समझते हैं आजकल के लोग, क्या बोलने का, वही बात बता रही थी। जी हरे ना, जी यार, कृष्ण गौतम प्रभु। प्रभु, हरे कृष्ण, गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जैसे कि हम अभी श्रीमद् भागवतम के मतलब महिमा के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ना है, गुरु के प्रति कैसे भाव रखना है। तो प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि एकनिष्ठ नहीं हो पाते हैं, मतलब जैसे कई बार हमने अभी भागवतम में पढ़ा कि किस तरीके से मतलब एक भक्त को गुरु से किस तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए, विनीत भाव से होना चाहिए, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जो कि सभी के कल्याण के लिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना कि बार बार जैसे हम ग्रुप में हैं सारे भक्त हैं, कई बार ऐसे ऐसे चीजें मतलब हम साथ में पढ़ रहे हैं लेकिन सुनने के बाद थोड़ा सा कभी ना वो माइंड ना थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ हो सकता है ऐसा, बट वो निगेटिव में ऐसे चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें प्रभु जी? डिस्कशन सीनियर से थोड़ा सा, जिससे कंफ्यूजन है वहां पे, भाई देखिए, इसीलिए गुरु का ना साक्षात होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गुरु को फोटो में गुरु बना लिए, जैसे गुरु द्रोण को उसने एकलव्य ने गुरु बना लिया था फोटो में ही और उनसे ज्ञान ले लिया सुन सुन के। हम भी खाली यूट्यूब में सुन रहे हैं, हमको जी इनकी कथा अच्छी लगती है, हम उनसे सुन रहे हैं, हमको जी उनकी कथा बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे बोलते हैं ठीक है, लेकिन आपके जीवन के प्रश्नों के उत्तर तो नहीं दे सकते ना, आप तो जाके उनसे कंसल्ट नहीं कर सकते ना कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूं। तो गुरु का साक्षात होना जरूरी है, गुरु नहीं तो कम से कम गुरु का कोई प्रतिनिधि साथ में होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेटर हो, जो सीनियर काउंसलर हो, जो आपके जीवन में कोई प्रश्न है उत्तर है उसका आपको सही शॉर्ट आंसर दे सके। तो इसीलिए साक्षात होना जरूरी है, इसीलिए हमारी इस्कॉन संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है जिसमें साक्षात गुरु रहते हैं और या गुरु के प्रतिनिधि रहते हैं आपके साथ में, जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, है ना। लेकिन कई जगह बाकी संप्रदाय में गुरु डायरेक्ट नहीं मिलते हमारे को, वो खाली गुरु एक ही को बना देते हैं जिनसे आप बात न कर सको, न सुन सको, न समझ सको, जिनकी फोटो दिखा दी, जिनकी मूर्ति दिखा दी, बस यही गुरु है। ऐसे गुरु से कल्याण मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है मुश्किल है, क्योंकि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु के पास जाओ, उसकी सेवा करो, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, सेवा करो, उनको प्रसन्न करो और उसके बाद जाके प्रश्न पूछो, तब वो तुमको देंगे ज्ञान, है ना। फिर ज्ञान उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शन, उसके बाद उपदेश देंगे क्योंकि उनके पास, उन्होंने भगवान को तत्व से जाना हुआ। तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे हेलो, 37 to 48 ब्लॉक फुल पावर। तो हमें भी ऐसे किसी सीनियर का रहना बहुत जरूरी है। तो जहां लगे वहां आप किसी से डिस्कशन करिए, कभी संघ का मतलब है, एसोसिएशन भी इसीलिए करते हैं ताकि हमारे डाउट्स हैं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकल सके, क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग अलग है। सबको लगता है मेरा प्रॉब्लम एकदम स्पेशल है, मेरे प्रॉब्लम में जब तक मैं चर्चा नहीं करूंगा मेरे को सॉल्यूशन ठीक से नहीं मिलेगा। तो आप भी चर्चा करिए अगर कुछ लग रहा है तो,
क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जो होता है ना, हम ये सारे प्लेटफॉर्म में सबके सामने नहीं दे सकते, है ना। कुछ चीज़ों के प्रश्न के ऐसे हैं जो आपको पर्सनली पूछना पड़ेगा और पर्सनली ही आंसर लेना पड़ेगा। किसको कैसे दृष्टि से देखना है, किसको क्या समझना है, अगर कुछ हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो क्या उत्तर देना है, क्या हमारा भाव रखना है, तो ये आप पर्सनली समझिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस रघुनाथ दास जी, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा। आप जो नर और नारायण के विषय में बता रहे थे, प्रभु जी उसको थोड़ा सा बताएंगे क्या, किसके क्या बताए थे, हम समझ नहीं पाए, नर और नारायण। नारायण जो है ना, जो बद्री बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ वहां पे नर नारायण का जो है वो लीला है। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे नर नारायण की पूजा होती है। लगता है श्री राम प्रभु कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं। यस श्री राम प्रभु कहिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा। कोई जी अनम्यूट हो गया था गलती से, वो थोड़ा बात जी नहीं, कोई प्रभु बात जी। नहीं, जी प्रभु बस जी, आपको अभी हो कुछ गया। कहना था। ठीक हाँ है, हरे प्रभु कृष्ण। जी, तो रघुनाथ दास जी, आपका जो आंसर है ना, नर जी नारायण की जो कथा है वो है 5.19.9 से लेके 12, पांचवा कैंटो 19वां अध्याय श्लोक नंबर 9 से लेके 12 तक नर नारायण की कथा मिल जाएगी आपको। आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बिल्कुल जी जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि वो बद्रिकाश्रम बता रहे हैं ना, तो बद्रीनाथ में एक बार गया था प्रभु जी, तो वहाँ वही पास में माणा गांव पड़ता है, वहीं पर श्रील व्यास देव जी की गुफा है और श्री गणेश गुफा है, तो वहीं पर बैठ के 18 पुराण समेत महाभागवतम सब लिखा गया था, वो दर्शन किए हैं प्रभु जी, मैं वहीं पर पास में ही है। मैं भी जा चुका हूँ, पिछले साल ही गए थे मैं और अखिल आत्म प्रभु, हम लोग भी अच्छा घूम के आए हैं। ठीक जी है, तो प्रभु जी, जी जी बिल्कुल सही है, जाएंगे। बोलते हैं वो पहला पहला इंडिया का पहला गांव वही है। हरे कृष्णा माता जी, ये हमारी रूपाली माता जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता जी हमारे साथ हरे जुड़ी कृष्णा हुई प्रभु हैं। जी, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है। थैंक तो यू माता प्रभु जी जी। दो दो दिन से आ रही है। माता जी बेस में नहीं जुड़ी है, मंदिर में नहीं जुड़ी है, बट ठीक है, मेरे से पर्सनली जुड़ी हुई है। बहुत आठ माला करती है माता जी, डेडिकेटेड हैं और हमेशा सुनती रहती हैं लेक्चर्स, हमेशा मेरे से चर्चा करती रहती है कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। जब मिलती है यही बोलती है, प्रभु जी मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरा तो वो नहीं हो रहा। तो कोई बात जी नहीं, आप प्रभु जी, एसोसिएशन कोशिश कर रही हूँ रखिए। आपसे मिलने के बाद, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रगति, शायद शायद उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन हुआ है, और इसके लिए आपका आपको थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद, आपकी इच्छा है ना। हमने पढ़ा है भगवत गीता के 18वें अध्याय में, इच्छा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है ना। इच्छा रखनी, जो इच्छा हम रखेंगे भगवान वैसी स्थिति परिस्थिति प्रदान कर देंगे, है ना। तो इच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी इच्छा अच्छी है, आपने इच्छा करी तो नो डाउट आपको ऐसी भगवान व्यवस्था करके दे देंगे कि आप भक्ति में उन्नति करो। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है माता जी को देख के, और ठीक है, सब प्रगति करें, कृपा करें भगवान सब पे, यही भगवान से हरे प्रार्थना है। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा। जी कल वो पराशर मुनि और सत्यवती से जो व्यास देव जी का कहता, थोड़ा सा वो प्रसंग समझ में नहीं आया था प्रभु मुझे। उनका व्यास देव का जन्म हुआ, उनके पुत्र थे ना प्रभु जी। हाँ, पराशर मुनि और सत्यवती जो थी ना, उनके पुत्र हुए व्यासदेव। अच्छा क्या हाँ हुआ, पहले जो थी जी, ना वो सत्यवती पहले बोट चलाती थी, मतलब मछली पालन करती थी, मछली पकड़ती थी, नाव चलाती थी, उसका हाँ नाम था हाँ मत्स्यगंधा। तो उनके हाँ पास से ना मत्स्य की मछली की बड़ी गंध आती थी, इसलिए उनका नाम था अच्छा मत्स्यगंधा। और अच्छा जब जो जाता था उनके पास तो बड़ी मछली की स्मेल नहीं आती, जैसे कभी हम जाते हैं मछुआरों के पास, तो उनके पास से जी वैसी आती थी। तो जब ये हाँ घटना हुई, पराशर मुनि के साथ बोट में जा रही थी, पराशर मुनि ने देखा, अभी एकदम तत्काल ऐसा संयोग बन गया कि अभी पुत्र उत्पन्न होगा तो भगवान की शक्ति वाला आएगा। तो उन्होंने उसको बोला कि अभी मेरे को पुत्र चाहिए।
तो फिर ठीक है, वो उन्होंने बोला मेरा कॉमर कॉमर नहीं भंग होना चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो पुत्र उत्पन्न हुआ व्यासदेव, व्यासदेव तुरंत बड़े हो गए और वो चले गए। बोले माता आप कभी भी मेरे को याद करेंगी तो मैं आपके लिए आ जाऊंगा। और पराशर मुनि बड़े प्रसन्न हुए मत्स्यगंधा से, तो उन्होंने पराशर मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे पास से अब जो मछली की बदबू है ना, ये ऐसी सुगंध आएगी तेरे पास से कि दूर दूर तक लोग तेरे से बड़े जो है ना प्रभावित रहेंगे। तो उसके बाद अच्छा से उसके पास से सुगंध आना चालू हुई, जिसके कारण फिर शांतनु महाराज जो थे वो बड़े अट्रैक्टेड हो गए इसके प्रति। तब फिर शांतनु महाराज ने इससे विवाह किया, सत्यवती बनी। फिर आप मालूम है फिर आगे जो है, विचित्र वीर्य उसका पहला पुत्र, और एक दूसरा कौन पुत्र था, दो पुत्र उत्पन्न, विचित्र वीर्य और दो पुत्र थे, याद नहीं आ रहा नाम, किसी को याद है सत्यवती माता के पुत्रों का नाम? चित्रांगद, चित्रांगद बिल्कुल सही कहा, चित्रांगद और विचित्र वीर, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। और उन्होंने तो मालूम है आप लोगों को प्रतिज्ञा कराई कि मेरे पुत्रों को ही सिंहासन में बैठाएंगे। तब उन्होंने देवव्रत, जो कि भीष्म पितामह जिनका नाम देवव्रत था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी सिंहासन में नहीं बैठूंगा और सिर्फ सिंहासन को प्रोटेक्ट करूंगा, सिंहासन का आदेश पालन करूंगा, ऐसा उन्होंने वरदान दी, मतलब प्रतिज्ञा ली। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हम यहाँ पे अब भैया बहुत ठीक क्लास को क्लोज करते हैं, यहाँ पे सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। कृष्ण सभी भक्त वृंद की जय, कृष्ण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरे जय गौर प्रभुनंदे, हरे हरि बोल, जय श्री हरि हरि। हरे हरि।